दोनों बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, दिव्यांश और रवि दोनों सलामी की जोड़ी मैदान पर इस समय। सुपर किंग्स के सामने लक्ष्य है 188 रनों की चुनौती रखी गई है। सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था सुपर किंग्स ने, और आमंत्रित किया था सुपरस्टार्स को बल्लेबाजी के लिए। 188 रनों की चुनौती रखी है सुपर किंग्स के सामने। गेंदबाजी यहां पर करेंगे श्रेयांश, सामना करेंगे स्ट्राइक पर दिव्या, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है रवि। अंपायर का इशारा आता हुआ मैच की शुरुआत। पहली गेंद इस बीच रोकने में कामयाब रहे। बढ़िया कॉल किया, अच्छा थ्रो किया और केवल एक रन प्राप्त हुआ। एक रन के साथ अपना खाता खोला व्यक्तिगत और अपने टीम का भी खाता खोलते हुए। और रवि की पहली ही गेंद पर, और ये गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है चौके के लिए। अब सबसे बाहर गेंद थी, मोटा सिरा लेते हुए गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला। ये देखिए मोटा सिरा लेते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है, और इस पारी का पहला चौका रवि के बल्ले से आता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है टीम का भी 5। तेज करार गेंद थी इस समय, गुल्लन पर टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, शरीर से दूर से खेलने का प्रयास किया था। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन बीट हुए, प्रहार करने का प्रयास रहा। पटकी हुई गेंद, तेज कर्रार गेंद थी इस समय, बहुत बढ़िया पिच किया। अक्सर ज्यादा से ज्यादा गेंदें उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदें की है। आखिरी गेंद इस ओवर की बची है फिलहाल। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है इस अपील से।
इस बार गेंद को तिरछे बल्ले से खेल दिया है फील्डर के पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। टॉट गेंद फेंकी है, बीच ये गेंद रन लेने का मौका मिला, आसान के साथ एक रन पूरा किया। इस एक रन के मदद से स्कोर में बढ़ोतरी 8 पर जाकर पहुंच चुका है। दूसरा ओवर जारी है, ये वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, चौके के लिए गेंद, कमाल का स्ट्रोक रहा ये। आक्रामकता अपनाते हुए दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जो चौका लगाया बहुत बढ़िया, 12 पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर दो ओवर के बाद 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद रोहित ने वाइड पे की, 13 रन बन चुके हैं, 188 रनों की चुनौती रखी है सुपरस्टार ने सुपर किंग्स के सामने। बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद थी ये, अचानक अंदर आती भी गेंद। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन, कमाल का स्ट्रोक रहा ये, पूरी ताकत के साथ इस स्ट्रोक को खेला गया। टाइमिंग लाजवाब था, इरादा पक्का था और गेंद को छक्का लगा दिया।
सिक्सर के मदद से 19 पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर। स्कोर अब तक का हो चुका है 19 रन। तीसरा ओवर जारी है। गेंद को आने दिया अंदर और थोड़ी सी टर्न भी हुई और विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित जाकर पहुंच गई है गेंद। स्कोर रुका हुआ 19। तीसरा ओवर जारी है। रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी। वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के मदद से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर अभी हो चुका 20। कदमों का इस्तेमाल हवा में। गेंद थर्ड मैन की दिशा में और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। गेंद चौके के लिए 24 रन इस चौके की मदद से। व्हाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। सम्मान किया। गेंद को आने दिया। डिफेंसिवली खेला, रक्षात्मक तरीके से खेला। बल्ले का मुंह अंतिम क्षण में खोला, ढकेल दिया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में। रन लेने का फिर से एक बार कोई अवसर नहीं। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति। 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, जिसमें दिव्य का व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 14। 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने। और रवि की बात की जाए यदि तो रवि 8 पर खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया उन्होंने।
बहुत बढ़िया। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला। वो बहुत अच्छी कोशिश सचिन की, शायद नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और कवर्स की दिशा में खेल दिया। और इस बीच कदमों का इस्तेमाल किया, ऑफस्टंप के बाहर वाली गेंद को बहुत ही बढ़िया छेड़खानी की उन्होंने, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। अच्छी रन आ रहे इस समय, हालांकि पहली दो गेंदों पर दो चौके आए थे। इस बीच फिर से एक बार ये चौका, ऑफस्टंप से काफी बाहर गेंद थी। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट आर्म पुल, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर चौका। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग था, स्ट्रोक सिलेक्शन काफी बढ़िया, गेंद को आने दिया और आखिरी क्षण में उन्होंने बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला। चार चौके इस ओवर में, 16 रन आए इस ओवर में, दर्शन ने 16 रन खर्च किए। स्कोर अभी हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति 41 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
हर्ष जैन अभी नए बल्लेबाज मैदान पर इस समय जा रहे हैं। बहुत बढ़िया कैच किया बाउंड्री लाइन पर, पहले विकेट का पतन, 45 पर एक विकेट गिर चुका है सुपर किंग्स का, आउट हो चुके हैं दिव्या, आउट हो चुके हैं। 18 रन बनाया उन्होंने, 16 गेंदों का सामना किया और विकेट का पतन, पहले विकेट का पतन हो चुका है। अच्छी शुरुआत करके दी है पावर प्ले के ओवर में, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले। गेंद को धकेल दिया ऑफसाइड पर, फुल टॉस गेंद लेकिन फील्डर के हाथों में खेल दिया है डॉट बॉल। तो 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और 5 ओवर के बाद 41 रन एक विकेट के नुकसान पर, करंट रन रेट 9.31 और रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 9.43। पैतालीस रन हो चुके हैं, 45 रन एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद सुपर किंग का स्कोर। गेंदबाज का नाम बताना है संदीप गेंदबाजी के लिए। संदीप को गेंद थमा दी है कप्तान ने, हो ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, बल्लेबाज को न्योता दिया था, आमंत्रित किया था बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। बैकफुट पर जाकर ड्राइव करने का प्रयास लेकिन चूके, बीट हुए। इस एक बार ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है स्क्वायर की दिशा में, एक टप्पा खाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला, गेंद को आने दिया, अंतिम क्षण में स्ट्रोक को खेला, लेग स्टंप पर गेंद फेंकी थी लेकिन उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने इस समय। ओ बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड स्ट्रोक, लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से छक्के के लिए, जबरदस्त स्ट्रोक खेला, 55 पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर।
फिर से एक बार उठाकर खेल दिया, छह रन सिक्सर। रवि के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बीच कोई फुटवर्क नहीं था, जगह से खेलने का प्रयास, और ये छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है 61 रन बगैर एक विकेट के नुकसान पर। सुपर किंग का अब तक का स्कोर 61, एक विकेट के नुकसान पर छह ओवर के बाद। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया, ड्राइव करने का प्रयास, जमीन के सतह से खेला था लेकिन रोकने में कामयाब रहे, रन लेने का कोई अवसर नहीं बना। बॉलर बैक ड्राइव, एक रन लेने का आसान सा मौका। सातवां ओवर जारी है, पावर प्ले के तो ओवर पूरे हो चुके, लेकिन पावर प्ले के ओवर में सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत करने की कोशिश, अच्छी शुरुआत करके दी उन्होंने अपने टीम को। 18 गेंदों का सामना किया और रवि का व्यक्तिगत स्कोर 40 पर इस समय खेल रहे हैं। विकेट कीपर नहीं रोक पाए थे गेंद को, प्लस वन वाइड प्लस वन यानी कि दो रन प्राप्त हुए। एक्स्ट्रा पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, 188 रनों की चुनौती रखी है सुपरस्टार ने सुपर किंग्स के सामने। उठाकर खेलने का प्रयास लेकिन इस समय रक्षात्मक तरीके से खेला मिड विकेट की दिशा में और इस बीच केवल एक रन आता हुआ। एक एक दो दो रन पर फोकस किया जा रहा है, सिंगल्स एंड डबल्स लाइफ लाइन ऑफ द क्रिकेट। 65 रन अब तक, और ये बहुत अच्छी गेंद मिडिल स्टंप डंडा का या शेर कर दें, उखाड़ दे वे बिल्कुल बढ़िया, चारों खाने चित करती हुई गेंद। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद फेंकी और पारी यहां पर पूरी हो चुकी है। रवि का काफी अच्छा योगदान रहा, 40 गेंद रन बनाए उन्होंने, 19 गेंदों का सामना किया, बहुत ही अच्छा योगदान रहा अपनी टीम के लिए, अच्छी शुरुआत करके दी थी उन्होंने
और सुपर किंग्स ने अभी दूसरा विकेट गवा दिया है। रवि आउट हो चुके हैं, महत्वपूर्ण विकेट था ये रवि का सुपर स्टार के लिए। सुंदर गेंद थी ये और विकेट का पतन हो चुका है। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है इस समय और ये विकेट का पतन, ये देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया लेकिन चूके और ये विकेट का पतन होता हुआ, तीसरे विकेट का पतन। 66 पर 3 विकेट गिर चुकी है। स्कोर अभी हो चुका है 66 रन और ये ओवर नंबर देखिए 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर
गेंदबाजी के लिए तेजस को आक्रमण के तौर पर ला गया है। धीमे गति की गेंद उठा कर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद लेकिन कोशिश नहीं हुई, गेंद कैरी नहीं हुई, वरना ये और एक विकेट गिर सकता था, लेकिन बच गए, भाग्यशाली रहे। अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक था। ड्राइव करने का प्रयास, आड़े बल्ले से खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में एक रन के लिए, जस्ट सिंगल टेकन। गेंद को आने दिया लेकिन बहुत ही बढ़िया बीट हुए वहां पर डॉट के साथ, यहां पर गेंद फेंकी, मौका नहीं दे रहे हैं रन बनाने का इस समय। फुल टॉस कन्वर्ट करने का प्रयास था, रक्षात्मक तरीके से खेला, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अंडर आर्म थ्रो, ओह या देखिए क्या कूदी लगाई, बहुत ही बढ़िया। जबरदस्त उड़ी लगाई, छलिंग छलांग लगाई उन्होंने। बहुत अच्छा स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है चौके के लिए, चार रन मिले हैं। लेट कट खेला और चौका प्राप्त किया। पहले आगे उसके बाद फिर से एक बार पीछे आए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। आठ ओवर पूरे हो चुके, 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हर्ष और इस समय अक्षत दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हैं। इस समय सुपर किंग्स को साझेदारी की आवश्यकता है, डटे रहना होगा, रुककर खेलना होगा, रक्षात्मक स्ट्रोक्स खेलने होंगे। अगर रन रेट की यदि बात की जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट वो भी आपको कुछ क्षणों में बताया जाएगा। करंट रन रेट 9.13 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 9.58, तो प्रति ओवर यहां पर 9 से 10 रन बनाने होंगे। अभी भी देखिए 72 गेंदे बची है, 115 रनों की आवश्यकता है सुपर किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो डॉट गेंदे यहां पर अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ेगा। 72 गेंदे 118 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए, कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। गेंदबाजी के लिए अभी गेंदबाज आ चुके हैं, सैनिक आ चुके हैं।
हो क्लीन बॉल, क्या बात है, आते ही यहाँ पर शनिक को सफलता प्राप्त हुई और विकेट का पतन हर्ष आउट हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, बहुत ही तेज करार गेंद आई थी वो। और इस समय अभी नए बल्लेबाज कप्तान आ चुके हैं, स्वयं कप्तान राज मैदान पर उतर चुके हैं। चार विकेट गवा दिए है सुपर किंग्स ने, अभी नए बल्लेबाज कप्तान आ चुके हैं अभी, और देखना होगा कप्तान कप्तानी पारी खेल पाएंगे कि नहीं। श्वेनिक की पहली गेंद पर सफलता, ओ कोशिश की थी पॉइंट के खिलाड़ी और गेंद को नहीं रोक पाए, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है चौके के लिए, कोशिश की थी वहां पर और एक चौके के मदद से स्कोर 77 हो चुका है 77, और ये ओवर नंबर फिलहाल 9वां जारी है। स्ट्राइक पर राज, बहुत बढ़िया गेंद थी ये, बीट हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया पिच करवाते हैं, मौका नहीं देते हैं बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। फुल टॉस गेंद हवा में, नो बॉल का इशारा भी किया अंपायर ने, लगे हाथ, नो गेंद, यानी कि अगली गेंद होने वाली है फ्री हिट। क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, बहुत ही रक्षात्मक तरीके से ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, क्या दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे इस बार, ये आउट, ओ माय गॉड, ये विकेट का पतन, फ्री हिट पर यहां पर क्या कमाल का थ्रो किया, बिल्कुल स्टंप के ऊपर, और जैसे ही गेंद हाथ में ली आउट हो चुके बल्लेबाज। देखिए बहुत ही जबरदस्त, इसीलिए नेवर टेक चांस ऑन मिस फील्ड, बहुत बढ़िया थ्रो किया, पांचवे विकेट का पतन, 80 रन हो चुके पांच विकेटों के नुकसान पर। श्रेयांश ने बहुत ही कमाल का थ्रो किया, नए बल्लेबाज मैदान पर इस समय आ चुके हैं हर्ष, बहुत अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोकने में कामयाब रहे,
बाद ये ओवर के बाद ये ओवर के बाद अभी भी एक गेंद बची है इस ओवर की, इस ओवर की एक गेंद अभी भी बची है। आणि नौचा बॉल काउंट आहे फ्रीडचा, हां फ्रीड बॉल काउंट आहे ना, रन आउट आहे तो। एक बॉल बाकी, अभी भी एक गेंद शेष, अब तक 80 स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे हर्ष स्ट्राइक पर, शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पर जाकर ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की ओर, केवल एक रन बनने का मौका। नौ ओवर की समाप्ति, 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। लेट कट खेला और ये नहीं रोक पाए गेंद को। केवल 2 रन लेने का मौका मिला। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, शरीर से दूर से खेला, बैकवर्ड डीप पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन लेने का मौका। 89 स्कोर हो चुका है। धीमे गति की गेंद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया और दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया संभालना अपना को, आपको दो रन यहां पर बाकर तेजी के साथ पूरे किए हैं।
बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, निश्चित तौर पर डॉट गेंदों से प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों की ओर। आखिरी गेंद इस ओवर की, सीधे खेल दिया फील्डर के पास और इस बीच ये ओवर की समाप्ति। 10 ओवर पूरे हो चुके, 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। लेते एक छोटी सी विश्रांति, ड्रिंक्स ब्रेक, लौटेंगे कुछ ही क्षणों में। एक ही डाला श्रेनिक ने, 91 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवर के बाद। उल्टोस गेंद, लेकिन फील्डर के पास खेल दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं।
आड़े बल्ले से स्क्वेयर लेग की दिशा में केवल एक रन, थ्रो काफी विकेटों से दूर था। यहां से छक्के चौके लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए। प्रति ओवर 9 और 10 रन बनाने होंगे। बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है गेंद, चौका। फील्डर भी गेंद के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुके हैं। ब्लॉक होल में गेंद थी और फाइनली खिलाड़ी के पास गई है। बहुत बढ़िया गेंद, मौका नहीं दिया जा रहा है। डॉट गेंदों से निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। यहां से प्रत्येक गेंद पर रन बनाना अत्यावश्यक है। फुलटॉस गेंद का फायदा उठाया और गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए। छक्का लगा दिया है, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक। कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे इस मैच को जीतने के लिए सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को। 54 गेंदें बची हैं, 85 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए सुपर किंग्स को। यहां से बॉल देना है प्लीज। ग्यारह ओवर के बाद 103 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस समय स्ट्राइक पर हर्ष और गेंदबाजी के लिए भावेश को लाया गया है। थर्ड मैन के ओवर बहुत अच्छी फील्डिंग। बैकफुट पर जाकर धकेल दिया गेंद को ऑफसाइड पर। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज दौड़ लगाई, एक रन पूरा किया।
बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। फिर से एक बार और बढ़िया गेंद। बहुत अच्छा स्ट्रोक करा रहा प्रहार, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी भी मौजूद, केवल एक रन लेने का मौका। गेंद हवा में थी लेकिन बच गए, भाग्यशाली रहे हैं, खेलने के लिए मजबूर किया था। बहुत अच्छा ओवर ये रहा, 12 ओवर पूरे हो चुके, 106 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 106 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 12 ओवर के बाद। तेजस गेंदबाजी के लिए इस समय आ चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले के मध्य से हवा में गेंद, बहुत बढ़िया कैच, और ये 6 विकेट गिर चुकी है। छह विकेटों का पतन 106 पर। तेजस गेंदबाजी के लिए, और तेजस इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। कुणाल स्ट्राइक पर है, अक्षत नॉन स्ट्राइक रेंज पर है, नए बल्लेबाज कुणाल आ चुके हैं, हर्ष अभी अभी आउट हो चुके हैं। इस बीच ये बॉल बैक ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी भी मौजूद है, केवल एक रन लेने का मौका इस समय मिला। कुणाल और अक्षत दोनों बल्लेबाज इस समय मैदान पर है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब था, इरादा पक्का, और गेंद तो आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। अक्षत के बल्ले से आता हुआ यह जबरदस्त छक्का। अक्षत के बल्ले से आता हुआ बहुत ही कमाल का सुंदर स्ट्रोक था ये, सामने की ओर खेला,
और बहुत ही लंबा स्ट्रोक, लगभग 90 मीटर का ये छक्का लगा दिया। गेंद कौन ने दिया, कट किया, बहुत ही बढ़िया, सीधी कमेंट्री बॉक्स में आती हुई ये गेंद, सीमा रेखा पार चौके के लिए। कुछ ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अपेक्षा है अभी इन दोनों से, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार लेट कट खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग की, पिंकेश वहां पर थे जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की। 42 गेंदें बची है, 70 रनों की आवश्यकता है सुपर किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्कोर अभी 13 ओवर के बाद 118 रन हो चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 42 गेंदें बची है, 70 रनों की आवश्यकता है आने वाले 42 गेंदों में। कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल। भावेश को गेंदबाज आप देख सकते हैं, गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। भावेश ने कुछ अच्छे ओवर फेंके हैं। एक ओवर अब तक उन्होंने फेंका है, केवल 3 रन दिए थे उस ओवर में। इस बीच बहुत बढ़िया कट किया है, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया है। स्ट्रोक सिलेक्शन काफी बढ़िया, जोखिम भरा स्ट्रोक खेला ये लेट कट। ये देखिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, तिरछे बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। फुलोलियन गेंद, बहुत ही बढ़िया फ्लैग सिक्स, कमाल का सुंदर ये स्ट्रोक रहा, टाइमिंग बढ़िया था, कनेक्शन काफी सुंदर था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच खेलकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगा दिया। गेंद का सम्मान किया, बहुत ही बढ़िया रणनीति है, अच्छे गेंद का सम्मान करते हैं, कमजोर गेंद का फायदा उठाते हैं। और इस समय उनके व्यक्तिगत स्कोर के बारे में भी बताया जाएगा। ये गेंद बिल्कुल गेंद को छोड़ दिया, कभी कभी छोड़ना भी अच्छा होता है। 22 के तौर पर ये चौका, अच्छे रन आए इस ओवर में। क्लीन बॉल, अच्छी गेंद, 7वें विकेट का पतन, सुपर किंग ने अपना 7वां विकेट गवा दिया है। अभी नए बल्लेबाज सहज आ चुके हैं मैदान पर। क्या सहज सहजता से मैच को जिता देंगे।
आने वाले 6 ओवर में 55 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए सुपर किंग्स को। इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला है, आसानी के साथ 1 रन को पूरा किया। टोटल स्कोर अभी हो चुका है 134 रन। सहज ने बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। बहुत ही तेज करनार गेंद थी ये, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, एन एक्सप्रेस डिलीवरी। नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। तो अगली गेंद होने जा रही है फ्री हिट। क्या फ्री हिट का फायदा उठाएंगे देखना जरूरी है। पिछले टाइम फ्री हिट फेंका था राज को, शायद राज स्ट्राइक पर थे लेकिन रन आउट के तौर पर आउट हो चुके थे। बहुत बढ़िया थ्रो किया था वहां पर डीप में से। यह श्रेयस ने वो थ्रो किया था। फ्री हिट था ये गेंद, फ्री हिट थी, बहुत बढ़िया तेज कर्रार गेंद थी ये। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। जीतने के लिए अभी भी यहां पर 52 रनों की आवश्यकता है। 33 गेंदें बची है, 53 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए सुपर किंग्स को। बहुत बढ़िया सम्मान किया और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। ये गेंद बहुत ही अच्छी बीट किया बल्लेबाज को। काफी अच्छा पेस निर्माण करते हैं, गति काफी जबरदस्त निर्माण करते हैं। वो गेंद को काफी बढ़िया तरीके से रिलीज करते हैं श्रेयांश। फिर से एक बार बहुत बढ़िया गेंद बीट हुए विकेट कीपर भी। 22 के तौर पर यह रन आता हुआ। पंद्रह ओवर पूरे हो चुके, 137 रन।
आने वाले 30 गेंदों में रनों की आवश्यकता होगी, 50 रनों की आवश्यकता है, केवल 20 का फासला है। दो ओवर फेंक कर केवल 9 रन खर्च किए श्रेयांश ने। सुपर किंग्स को अभी भी आने वाले 30 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता है। जगह से खेलने का प्रयास, कोई फुटवर्क नहीं था। डॉट गेंदों से निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों की ओर, क्योंकि 29 गेंदे अभी भी शेष है और 50 रन बनाने हैं। बहुत बढ़िया, बैक टू बैक दो डॉट गेंदे, 28 गेंदे 50 रन बनाने हैं। फिर से एक बार, क्या बात है, बहुत ही ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी ये, एक्स्ट्रा के तौर पर, वाइड के तौर पर रन आता हुआ, कुछ ज्यादा ही बाहर निकली टर्न होने के बाद। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, ज्यादा से ज्यादा गेंदे ऑफ स्टंप पर फेंकी जा रही है। अभी नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज कुछ कान मंत्र देते हुए, ओ फॉलो थ्रू में ये कैच छूटा, सपना टूटा। फॉलो थ्रू में ऐसे कैचेस लेना काफी कठिन होता है। ये देखिए बिल्कुल सामने की ओर, उनके सर के सामने आई, चेहरे पर आई गेंद। इस बीच हवा में गेंद, लेकिन कैरी नहीं हुई गेंद, और ये चौका, बहुत ही जबरदस्त चौका, बलून इन दी एयर, टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी घूमी भी और चौके के मदद से 143 रन हो चुके हैं। रन आखिरी गेंद इस ओवर की बची है। इस बीच तो ड्राइव किया बहुत ही बढ़िया तरीके से, लेकिन एक ही रन मिलेगा और अपने पास स्ट्राइक रखेंगे सहज। 16 ओवर के बाद 144 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 24 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए।
गेंदबाजी के लिए क्षणिक। सर्ज के पास स्ट्राइक, इस समय बैकफुट पर जाकर उठाकर खेलने का प्रयास था, बीट हुए। तेज करार गेंद बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक ही रन प्राप्त हुआ। भाग, भाग, क्या भाग, दूसरा रन पाएंगे? यस, सहज को स्ट्राइक मिलना उनके नसीब में ही था। शॉट हो, ये कमाल की कोशिश की थी उन्होंने। केवल एक ही रन प्राप्त हुआ। अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे किए हैं अक्षत ने। कमाल की पारी खेली अक्षत के बल्ले से, ये चौका और साथ ही साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, 52 रन पर पहुंचे। अक्षत ऐसे ही बने रहेंगे तो मैच में भी काफी कुछ कर सकते हैं। 20 गेंदें बची है, 37 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया गेंद को एक रन के लिए। कुछ भी हो सकता है यहां से, 19 गेंदें बची है, 36 रनों की आवश्यकता है यहां से जीतने के लिए सुपर किंग्स को। बैकफुट पर जाकर ऑन ड्राइव किया, अच्छा थ्रो, अठारह गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता, 3 ओवर में 35 रनों की आवश्यकता फिलहाल। इस बीच ये गेंद हवा में है, मिस टाइम स्ट्रोक, केवल एक रन मिलेगा अक्षत को, स्ट्राइक मिली इस समय। 17 गेंदों में 34 रन चाहिए, 5 कमजोर गेंद, 5 चौके, काम तमाम। इस बीच कट किया, बहुत ही बढ़िया, केवल एक ही रन।
16 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता, कुछ भी हो सकता है, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे यहां से। बहुत ही बढ़िया लेफ्ट किया, कोई स्ट्रोक खेला नहीं, व्हाइट का इशारा अंपायर ने सीधा किया। इस बीच ये कमाल का ड्राइव और गैप में से गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर, जबरदस्त सहज के बल्ले से आता हुआ ये चौका, जो कि कमाल का चौका लगाया उन्होंने और अत्यावश्यक रन अभी चाहिए। 15 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक सहज और अक्षत है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन हवा में गेंद छोड़ेगा, फोर है। विकेट कीपर भी वहां पर आए गेंद को कलेक्ट करने के लिए। केवल एक ही रन मिला, 14 गेंदे 27 रन, कुछ भी हो सकता है। आने वाले 14 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए सुपर किंग्स को। ये बहुत अच्छा स्ट्रोक, नहीं रोक पाएंगे, बहुत ही बढ़िया चौका लगा दिया है अक्षत के बल्ले से आता यह चौका। 13 गेंदे 23 रन, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया अक्षय के बल्ले से आता हुआ चौका। 13 गेंदे 23 रन, केवल 10 का फासला है यहां से। तेज कर्रार गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, केवल 2 ओवर शेष है यहां से और 23 रनों की आवश्यकता है। आने वाले 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। बाउंड्री लाइन से बाहर, ओह माय गॉड, ये तो कमाल का, ये अनएक्सपेक्टेड चौका, ऐसी फील्डिंग नहीं चलेगी, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। और अभी 11 गेंदे 19 रन, केवल 2 कमजोर गेंदे ऐसी चाहिए उनको जिस पर बड़े स्ट्रोक खेल पाए।
इस बीच हवा में गेंद खेलेंगे। ओहो हो, क्या कोशिश की है, बढ़िया प्रयास किया उन्होंने, लेकिन दो रन। बैक ऑफ लेन दवा में और ये गेंद, छह रन, जबरदस्त स्ट्रोक, छक्का लगा दिया है। ये देखिए किस प्रकार से उस स्ट्रोक को खेला है, कमाल का ये अक्षत के बल्ले से आता हुआ छक्का। आठ गेंदे, दस रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया छक्का लगा दिया, बहुत ही बढ़िया अक्षत के बल्ले से। अक्षत ने धुआंधार बल्लेबाजी की है, 69 पर खेल रहे इस समय वो। सात गेंदों में चार रन, बहुत ही बढ़िया। इस बार ये मैच को जीत लिया है, बहुत ही बढ़िया अक्षत द्वारा ये प्रदर्शन रहा, छक्के चौके लगाकर मैच को जीता दिया है उन्होंने, बढ़िया प्रदर्शन। एक और ऐसा लग रहा था कि ये सुपर किंग्स की टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से सहज और